तो दोस्तों ये मेरे पास मोटरोला का E13 मोबाइल है, और E13 का मैंने बहुत सारे वीडियो तो ऑलरेडी बना दिया, अगर नहीं देखा है तो देख सकते हो। इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ मोटो E13 का कैमरा रिव्यू। तो कुछ रिक्वेस्ट आया था मेरे को कि कैमरा का रिव्यू करो। तो ये एक्चुअल क्या है, कैमरा सेंट्रिक फ़ोन तो है नहीं ना, क्योंकि इसका जो प्राइस है 6999 में आपको यहाँ पे मिल जाता है 2G वाला वेरियंट, और अगर आप 4G वाला वेरियंट लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है 7999 में। जो कैमरा दिया गया है वो है फ्रंट में आपका 5 मेगापिक्सल कैमरा, और बैक में है सिंगल कैमरा जो है 13 मेगापिक्सल कैमरा। तो नॉर्मली इस प्राइस में ये जो फ़ोन है ना, क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया है फ़ोन का मैं बात कर रहा हूँ। प्रीमियम लुक है, इसका जो बैक डिज़ाइन है वह बहुत ही बढ़िया है, और डिस्प्ले का क्वालिटी भी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। बट अगर कैमरा की बात यहाँ पे किया जाए तो कैमरा उतना खास है नहीं, क्योंकि इस बजट में अगर आप फ़ोन खरीदोगे आप तो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन तो नहीं होगा। वो मेनली जो कॉल होता है, कॉल, SMS, व्हाट्सअप, या फिर नेट सर्फिंग करने के लिए, या फिर यूट्यूब देखने के लिए ये फ़ोन ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेम भी आप खेल सकते हो, फ्री फायर मैक्स तो बहुत ही बढ़िया खेल सकते हो। BGMI भी थोड़ा थोड़ा चल जाएगा विदाउट लैग नॉर्मल मोड पर। बट अगर आप हेवी क्वालिटी का कैमरा चाहते हो तो ये नहीं मिलेगा इसमें, ओके। बैटरी बैकअप भी इसका बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर सैंपल लिया हूँ। मैं पिक्चर सैंपल दिखाने से पहले आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, उसका जो फ्रंट कैमरा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से कुछ कैमरा इससे बेटर होता था पहले, अभी नहीं होगा क्योंकि अभी जो फ़ोन का कॉस्ट है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। तो फ्रंट कैमरा इतना खास तो है ही नहीं, बैक कैमरा कभी कभी यहाँ पे अच्छा क्वालिटी दे देता है, लेकिन वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, और लो लाइट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। लो लाइट है, फ्रंट कैमरा तो बात ही नहीं करो कि बैक कैमरा में इतना अच्छा पिक्चर नहीं आ रहा है, बट अच्छा लाइट कंडीशन में बैक कैमरा में यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी कभी कभी अच्छा आ रहा है, ठीक है। कलर भी बहुत ही बढ़िया आ रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर लाइट का कोई इश्यू होगा तो यहाँ पे इतना अच्छा नहीं होगा। तो कैमरा के लिए ये फ़ोन मत खरीदो अगर आप कैमरा फ़ोन चाहते हो, इस प्राइस में मिलेगा भी नहीं। अगर आप इसमें भी बहुत सारा उम्मीद लगा के बैठे हो कि इस फ़ोन खरीदूंगा और कैमरा इसका बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ओके। तो चलो कुछ सैंपल आपको यहाँ पे दिखा दें और आपको बता दें क्या है। तो ये पिक्चर लिया हूँ मैंने इंडोर में नॉर्मल शूट में फ्रंट में, देखो ये आया। ये मैंने बाहर में लिया था, बाहर में पोर्ट्रेट फ्रंट में, इतना अच्छा खास नहीं आया। ये वही वाला पिक्चर मैंने बाहर में लिया था फ्रंट विदाउट पोर्ट्रेट। बैक में देखो इंडोर में ये वाला पिक्चर लिया, ये थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे आया है। सबसे अच्छा आया है ये वाला, देखो बहुत ही अच्छा कलर, लाइट बहुत ही बढ़िया था, इसीलिए बैक कैमरा में इसमें बहुत ही बढ़िया आया पिक्चर। ये भी बैक में लिया था बट लाइट कंडीशन उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए ऐसे आया। और ये वाला जो मैंने बैक कैमरे में लिया था, ये फ्रंट में लिया था, लाइट कंडीशन बेकार था और पिक्चर भी बेकार आया, और ये बहुत ही बढ़िया आया है, लाइट कंडीशन अच्छा था इसीलिए। और ये वीडियो देख लो, वाला जो वीडियो है ना मैंने यहाँ पे अच्छा लाइट में लिया था, और ये जो वीडियो आया है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये वीडियो आया है। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा बैक कैमरा ठीक है, फ्रंट कैमरा इतना खास नहीं है। आपने सैंपल देख लिया, वीडियो में भी इतना अच्छा खास नहीं आ रहा है, फ्रंट में भी इतना अच्छा खास नहीं आ रहा है, बैक में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बेहतर काम कर रहा है कभी कभी, और कभी कंडीशन में यहाँ पे कभी कभी कंडीशन अच्छा होगा तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कलर से एक्चुअल पिक्चर आ रहा है, बट कभी कभी एक बार लाइट कंडीशन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। तो मैं ही कहूँगा ये फ़ोन कैमरा छोड़ के अगर बात किया जाए, इसका लॉन्गजीविटी अच्छा होगा, बैटरी बैकअप अच्छा होगा, कॉल वॉल अच्छा कर पाओगे, गेम भी थोड़ा बहुत खेल पाओगे, बट कैमरे के लिए ये फ़ोन मत लो क्योंकि कैमरा इतना अच्छा है नहीं। तो यही था मोटो E13 का कैमरा रिव्यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो अच्छी वीडियो इतनी, बाय।